नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। दिल्ली स्पेशल की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में 1000 डीटीसी बस खरीद मामले में केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में एलजी की ओर से गठित की गई जांच समिति ने केजरीवाल सरकार को क्लीन चिट दे दी है। जांच समिति ने उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जांच समिति ने पाया है कि टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर डीटीसी बस खरीद मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली सरकार पर लगे घोटाले के आरोप बेबुनियाद है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों की खरीद में कोई घोटाला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पहले भी बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली सरकार पर झूठे आरोप लगाए थे और जांच कमेटी ने दिल्ली सरकार से 400 फाइल समन की थी। जांच कमेटी को तब भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली थी। ये साफ करता है कि दिल्ली सरकार ईमानदारी के साथ दिल्ली की जनता के हितों के लिए काम कर रही है। वहीं सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप केजरीवाल जी जैसे ईमानदार नेता पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता से, क्योंकि आप सिर्फ केजरीवाल जी पर आरोप नहीं लगा रहे थे, आप केजरीवाल सरकार के काम रोकने का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि आप दिल्ली की जनता की बसें खरीदने में रोड़ा अटका रहे थे। आप दिल्ली की जनता के लिए बसें खरीदने में टांग अड़ा रहे थे। आपकी खुद केंद्र सरकार की कमेटी ने माना है कि यह टांग अड़ाना बेकार है। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खुशखबरी यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम टांग अड़ाने की कोशिशों के बावजूद, तमाम अड़चने खड़ी करने के बावजूद, तमाम आरोप पे आरोप लगाने के बावजूद, जांच कमेटी बनाने के बावजूद अब बसें आएंगी। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि दिल्ली के लिए बसें आएंगी। भाजपा का मूल आरोप हमेशा से ये था कि बस खरीद के अंदर भ्रष्टाचार किया गया है और उसकी जांच भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए अधिकारियों द्वारा की गई। एलजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं उनके द्वारा कमेटी गठित की गई और उन्होंने मूलतः ये कहा कि बसों की खरीद के अंदर जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, ये बात मैं कहूंगा कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उनके एएमसी के विषय में, उसको सरकार देगी, उसका सरकार जवाब देगी। हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा बनाई गई कमेटी ने सरकार को क्लीन चिट दी गई है। जो ऑब्जर्वेशन है उसका जो है देखेंगे, संज्ञान मिलेंगे, उसका भी जवाब देंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।